चार मोहर दो तब जाके मिलेंगे आलू के पकौड़े। कम है, अभी तो दिया मैंने। लेकिन ये तो तीन ही मोहरे हैं। दोबारा गिनो कितने हुए। अब हो गई तीन। और मैंने कितने दिए? एक। पहले कितनी थी? तीन। एक और तीन मिलाकर कितने हुए? चार। हाँ तो मोहर चार तो पकौड़े आठ। लेकिन अगर मैं दो मोहर दूं तो कितने पकौड़े आएंगे? दो में चार। हाँ लेकिन यहाँ तो मोहर चार है तो पकौड़े हुए आठ है ना। तो अगर मैं सोलह पकौड़े लूं तो आठ मोहर दूंगा, लेकिन यहाँ तो मैंने चार मोहर दी इसलिए हुए पकौड़े आठ। तो ये चार पकौड़े जो है तुम खाओ खाओ, लंबे चौड़े हो, खाओ खाओ, बैठ के खाओ। नहीं समझे? अरे यार समझाना पड़ेगा। देखो मोहर थी चार तो पकौड़े आठ, खाए चार तो बचे चार, तो ये जो बचे चार हैं ये भी ये ठूस सकता है। ये लो भाई, ये लो, आराम से खाओ, शर्म मत करो, जिसने की शर्म उसके फूटे कलम। वाह, अरे आ गए आप लोग, कुछ खाएंगे? नहीं नहीं हमारे पास प्याज के पकौड़े तो है ही नहीं। हाँ पर हमारे पास है एक बहुत ही महंगी मिठाई, खाना चाहेंगे? आइए देखिए। अरे वाह, क्या बिल्कुल सही पहचाना, कमाल की नजर। ये है वही प्याज जिसने किया है पूरी आम जनता को बहुत नाराज। भाई क्या करें, ये मुगल भी बड़े अजीब, कभी तो करोड़ों मोहर खर्च कर देते हैं अपनी प्रजा में चमचमाते जूते बांटने की खाते, और कभी अपनी झूठी शान की खाते तुगलक ही फरमान जारी कर देते। वो तो है। पर हम है ना लाला, इस नाचीज का नाम है बीरबल, जिसने खोला इन बंद अकलों का ताला, वो भी बिना चाबी के। देखना चाहेंगे? देखिए, ये वो प्याज है जो एक किसान बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ अपने खेत में उगाता है, फिर वही किसान इसे बिचौलिए को बेचता है, बिचौलिए दलाल को बेचता है, दलाल साहूकार को बेचता है, साहूकार जो है इसे थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता इसे खाद्य विक्रेता को बेचता है, जो अंत में इसे ग्राहक को। शहनशाह, मैं आपको सिर्फ एक बात समझा रहा था कि जनता के पास प्याज बिल्कुल ऐसे मोतीचूर के दानों की तरह पहुंचता है, क्योंकि असल फसल जो है वो किसी खुफिया गोदाम में कैद होकर अपना दम तोड़ देती है। ये पूरा मसला तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इस मसले का हल क्या है? इसका हल है शहनशाह, हल ये है कि बीज की कड़ियों को काटकर यदि किसान अपनी कड़ी सीधा ग्राहक से जोड़े तो फिर प्याज ही प्याज है शहनशाह। ये है आपके प्याज का राज। बीरबल सुनो तो सही, दाईजान के फरमान के मुताबिक गांव में सारे गरीबों में जूते बांटे जा रहे हैं, जूते बांटते बांटते दिवालिया निकल रहा है रियासत का। हम चाहते हैं कि तुम इस मसले का हल निकालो। सबके पास सिर्फ एक ही जूता, दूसरा कहां गया? कहां जाएगा साहब, हम गरीबों के पेट में गया है, इतनी भूख लग रही थी कि ये जूते को काट के खा लिया कल रात में हमने। क्या? अरे ये जूते तो हम तब पहनेंगे ना जब हम जिंदा रहेंगे, ये भूख बर्दाश्त नहीं होती। और ऊपर क्या 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 हो रहा है? क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? जिले हिला 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 हिला, ये तो हिल गया। हमारी रियासत में एक आदमी भूख से मर गया। अरे ऐसे कैसे मर जाएगा, जब तक हम खुद पैदा नहीं हो सकते तो हम खुद मर कैसे सकते हैं? बीरबल तुम? जी हां, आगे आपको जूते की मार से बचाने की खातिर, ये जो तुम्हारी शहनशाह वाली अकड़ है ना, ऐसे इसे तोड़ मरोड़ के कहीं अपनी जेब में रख ले, और हो सके तो इस उसूल को तुम आगे भी लागू करना। वो कहते हैं कि पेड़ जितना लदा हुआ होता है ना उतना ही झुका होता है, समझे? अरे बीरबल जी कमाल कर दिया आपने। मैंने क्या किया? अरे बीरबल जी, मैं वही कलाकार जिसे बादशाह अकबर ने जिंदा चुनवाने की सजा सुनाई थी। ए, तुम भूत तो नहीं हो? जी नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। नहीं, तुम जिंदा कैसे हो? अरे बीरबल जी, सब आपकी मेहरबानी, आपने तो बादशाह अकबर की आंखें खोली हैं। हम ये सोच रहे थे जलाल कि इतने बड़े महल के चंद दिनों के लिए ही सही हम दामाद बन ही जाते, अब हम अकेले नहीं रहेंगे,
अकबर को मिला बीरबल का साथ। लाओ मिलाओ हाथ। भाई वाह खुशाम, इन्हें तो जाने ही देते हैं। तो दोस्तों ये थी चेहरे पे सवाल अकबर और हाजिर जवाब बीरबल की अब तक की अनोखी कहानी। घबराइए नहीं, कहानी तो अभी शुरुआत है, उसकी शुरुआत हुई है, अभी तो आगे आगे देखिए क्या होता है, कैसे इन टेढ़े टेढ़े लोगों को सीधा करता है बीरबल। भले ही इसके लिए हमें हमारी टेढ़ी दुम क्यों ना सीधी करनी पड़े, भाई रास्ता सही हो या गलत मंजिल हमेशा सही होनी चाहिए। इसीलिए सीधे मसलों का टेढ़ा हल, हाजिर जवाब बीरबल।